हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। तो जब भी आप बिजनेस लेटर्स को लिखते हो तो उसमें किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है जब भी आप लेटर लिख रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा प्रोसेस है उसको करने का। यहाँ पे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको इग्नू बीकॉम में जाना है। और यहाँ पे एक नॉमिनल सा फी है 119 रुपीज का, जिसको पे करना है। और पे करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको मोर अबाउट पर्क्स में एक व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं अभी आपको क्लिक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको बहुत ही सस्ते दामों पे नोट्स मिल जाएंगे, 40% डिस्काउंट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिनको पढ़ के आप एग्जामिनेशन में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अगर आप असाइनमेंट्स लिखते हैं, जो कि आपको लिखनी पड़ती है जनरली, तो अब वो जो है असाइनमेंट्स आपको हमारे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को पाने के लिए आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ट्यूशंस करते हैं, वैसे इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूशंस, जहां पे आपको सारी की सारी हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हमारे चैनल पे आए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको दबा दिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, और जब भी आप स्टडी करें, हमारे प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें। यहाँ देखो, ये हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर ढेर सारी वीडियोज है जिनको देख करके आप आसानी से अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। तो चलिए फिर देखते हैं। So to convey any message effectively, business letter writing needs the application of certain communication principles, है ना? तो जब भी आपको किसी को मैसेज को convey करना होता है, तो sometimes आप business letters लिखते हो, sometimes आप letters लिखते हो अपने business correspondents को कि देखो भाई ये हमें चीज करनी है। तो उन letters को लिखने का ना एक तरीका होता है, उस तरीके के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ कुछ principles होते हैं जो कि आपको follow करने होते हैं जब भी आप business letters लिखते हो। They provide guidelines for the content and a style of presentation. ये एक तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है आपके कंटेंट को लेकर के, साथ ही साथ जो आपका स्टाइल है प्रेजेंटेशन का, कि आप किस तरीके से अपने लेटर को प्रेजेंट करोगे, वो जानकारी भी आपको इसके थ्रू मिलती है। अब बिजनेस लेटर शुड बी रिटन कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना? तो एक बिजनेस लेटर जो है वो हमेशा इस बात को ध्यान में रख करके लिखनी चाहिए कि वो जो है बिजनेस प्रिंसिपल्स को एक तरीके से फॉलो करता हो, लेटर राइटिंग की जो प्रिंसिपल्स होती हैं उसको ये फॉलो करता हो। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है वो है क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। ठीक है ना, क्लैरिटी होनी चाहिए और कोहेरेंस होना चाहिए, मतलब सारी चीजों का जो है ना एक तालमेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, जिसको पढ़ करके एक तरीके से जो सामने वाला बंदा है उसको सारी बात समझ में आ जाए, उसको ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े कि मीनिंग निकालने में, राइट? सो क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्या मैसेज में बोलना चाह रहे हो, क्या आप लिखना चाह रहे थे, वो सारी चीजें वहां से क्लियर होनी चाहिए। सो इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव अ बिजनेस लेटर शुड बी से कंसाइज, प्रिसाइज, रिलेवेंट, कॉन्क्रीट एंड कंसिस्टेंट, है ना? तो एक ऑर्डर, एक बिजनेस लेटर को इफेक्टिव होने के लिए, है ना, उस वो जो लेटर है वो कंसाइज होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लेटर्स नहीं होने चाहिए और बहुत छोटे लेटर्स भी नहीं होने चाहिए। आपको उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करना है जितना हमें कि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए। प्रिसाइज होना चाहिए, जिस टॉपिक के बारे में आप लिखना चाह रहे हो सिर्फ उसी के बारे में लिखो, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो फिर एक टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, तो उसे समझने में दिक्कत होती है, राइट? तो कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, जो आप लिख रहे हो वो रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख रहे हो, है ना? कॉन्क्रीट एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं बोलना चाहूंगा कि एक लेटर में होनी चाहिए। सो बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू से एंड देन से इट क्लियरली। तो आपको पहले क्लियर होना पड़ेगा कि आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से क्या कहना चाहते हो, और जो भी आप कहना चाहते हो उसको फिर आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। सो डिफिकल्ट वर्ड्स रिक्वायरिंग द यूज ऑफ डिक्शनरी, फ्लावरी एक्सप्रेशंस एंड पोएटिक लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। अब समटाइम्स क्या होता है ना कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि सामने वाले बंदे के ऊपर इंप्रेशन बहुत अच्छा बने। बस इसका समटाइम्स उलट भी हो जाता है, उनको मीनिंग समझ में नहीं आती तो उनको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको ऐसा भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है जिसके कारण से डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ जाए, है ना? फ्लावरी एक्सप्रेशन नहीं देने, जैसे सुनकर जैसे फूलों की बरसात हो रही हो, मतलब क्लियर कट जो बात है सिर्फ वही आपको बतानी है। पोइटिक लैंग्वेज मतलब आपने कविता के माध्यम से कोई चीज बताने की कोशिश की, संकेतों के माध्यम से कोई चीज बताने की कोशिश की, तो वो चीजें जो है आपको नहीं करनी है, है ना? द वर्ड्स यूज शुड नॉट बी
वेग एंड एम्बिगुअस है ना, जो वर्ड जो लेटर्स आप इस्तेमाल करोगे वो जो है वेग एंड एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि सेम वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, राइट? तो कुछ कर पढ़ करके ऐसा लगा कि भाई इसका ये तो एम्बिगुअस वर्ड है, इसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, एम्बिग्युइटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो ऐसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। द लेटर मस्ट कन्वे टू द रिसिपेंट द एग्जैक्ट मीनिंग विच द राइटर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट। लेटर मैसेज कन्वे करना चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंस को जिसको वो लिख रहा है, सेम मीनिंग में जो कि वो लिखना चाहता है या जो लिख रहा है, सेम बातें उसको समझ में आनी चाहिए। आप लिख कुछ और रहे हो, उसको कुछ और समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि आपने लिखने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, राइट? तो वैसे आपको नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो चीज उस तक पहुंच जाए, है ना। द क्लैरिटी ऑफ लेटर टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द यूनिटी और कोहेरेंस। जो क्लैरिटी होती है लेटर की वो बहुत हद तक जो होती है यूनिटी और कोहेरेंस के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट होती है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कोहेरेंस सारी चीजों का सम्मिलन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से होना चाहिए ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए, है ना। देयरफॉर अ लेटर शुड बी रिटन इन अ लॉजिकल मैनर एंड रिफ्लेक्ट कंसिस्टेंस ऑफ थॉट। ठीक है, तो एक लेटर जो है उसको एक तरीके से लॉजिकल मैनर में लिखना है, आपको अच्छे तरीके से लिखना है और जो थॉट का कंसिस्टेंसी है वो बना करके होना चाहिए। एक लाइन आपने कुछ एक टॉपिक के बारे में लिखा, दूसरा लाइन आप कहीं और लेकर के चले गए, ऐसा भी नहीं करना है ना। तो कंसिस्टेंस ऑफ थॉट यहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। One thought should follow another in a proper sequence. An orderly arrangement of the subject is necessary, and the same should be expressed in appropriate words. है ना, तो जो भी आप चीजें लिख रहे हो उसको आपको order में लिखना है, one by one करके। अब इन सबको जब आप order में लिख रहे हो तो अच्छे तरीके से लिखो, है ना। लाइन बाई लाइन के पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर तीसरे में ये करेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे जम्बलिंग हो जाए तो फिर उसको भी समझ में नहीं आएगा। सो इट इज बेटर टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेज एंड शॉर्ट पैराग्राफ दैट आर इजियर टू रीड। सेंड टेलीग्राम्स नॉट एसेज, है ना। ये एक लाइन में सारी बात बता देने की कोशिश की गई कि शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो, ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस का इस्तेमाल मत करो, पैराग्राफ शॉर्ट लिखो ताकि समझने में उसको पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे देखो कोटेशन में लिखा हुआ है सेंड टेलीग्राम्स, आपको टेलीग्राम जब टेलीग्राम भेजा जाता पहले के जमाने में तो जो टॉपिक लिखना होता सिर्फ वही लिखते थे, क्योंकि टेलीग्राम लिखने के जो वर्ड्स होते थे उनके पैसे लगते थे ज्यादा, है ना। तो जितने वर्ड्स की जानकारी उनको लगता था कि इतने में सामने वाले बंदे को समझ में आ जाएगा, बस उतना ही लिखते थे। तो आपको टेलीग्राम सेंड करना है ना कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। सो क्लैरिटी एंड कोहेरेंस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन। नहीं, इसको तो दूसरे कलर से करना है ना। यस, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, खूबसूरत लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कंसिडरेशन, तो हम बात कर रहे हैं अभी कंसिडरेशन के बारे में। चलिए फिर, सो द राइटर ऑफ द लेटर शुड प्लेस हिमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ द रीडर एंड गिव अ कंसिडरेशन एज टू व्हाट डज ही नीड, एम्फेसिस ऑन यू एटीट्यूड एंड इंस्टेड ऑफ आई एटीट्यूड, है ना। तो कंसिडरेशन में ये बात बोली गई कि जो राइटर होता है, जो लेटर को लिख रहा होता है, वो खुद को उसके स्थान पे बैठा करके देखेगा जिसको वो लेटर लिख रहा है। जैसे कि वो मुझे लेटर लिख रहा है तो वो मेरे जगह पे बैठ करके सोचेगा कि जिसको मैं लेटर लिख रहा हूँ क्या उसको सारी बातें समझ में आएंगी, क्या वो सारी चीजें समझ पाएगा, है ना। तो उसको उस तरीके से इसको सोचना होगा। यहाँ पे यू एटीट्यूड के ऊपर ध्यान नहीं देना है बल्कि आई एटीट्यूड। जैसे मैं लिख रहा हूँ लेटर ना, तो मैं ध्यान ये नहीं दे रहा हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं ध्यान दे रहा हूँ कि उस बंदे को लाइक एक तरीके से यू नो लिख रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे आपको उस बंदे के जगह पे खुद को बैठा करके सोचना होगा, आई एटीट्यूड करके सोचना होगा कि जो चीजें आप लिख रहे हो वो चीजें उसको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आएंगी या नहीं आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, वी सोल्ड 4,000 डजन ऑफ हैंडकरचीफ्स ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन लास्ट मंथ। तो अगले जो पिछला महीना गुजरा है उसमें 4,000 जो है रुमाल बेचे गए हैं। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर था ये, है ना। 4,000 हैंडकरचीफ बेचे गए टू द डिस्क्रिप्शन दिस लास्ट। प्रॉपर में क्या होगा, you and other businessmen like you bought 4,000 dozens of handkerchiefs of this descriptions in the last month. तो ये proper है ना। यहाँ पे तुम और तुम्हारे तरह जो other businessmen हैं वो 4,000 dozen you know handkerchiefs जो है इस description में पिछले महीने हम लोगों से खरीदे हैं। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है सुन करके, right? यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी बात नहीं की जा रही है, बाकी सारे और businessmen की भी बात की जा रही है जिन लोगों ने 4,000 dozens of handkerchiefs खरीदे हैं, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लेटर लिखते हो। तो थर्ड पॉइंट इज ब्रेविटी। चलिए फिर ब्रेविटी देख लेते हैं। सो अ गुड बिजनेस लेटर शुड कंसाइज एंड एग्जैक्ट। जो अच्छा बिजनेस लेटर होता है वो कंसाइज होता है और एग्जैक्ट होता है।
मतलब उसमें कोई और गोल पछोल नहीं होता, जो बात आपने लिखा होता है आप वही बात वहां पे लिखते हो एग्जैक्ट वर्ड्स में। इकोनॉमी ऑफ वर्ड इज पॉसिबल ओनली इफ द राइटर ऑफ द लेटर हैज एक्सटेंसिव वोकैबुलरी एट हिज कमांड, है ना। तो आप वर्ड्स को कम इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास एक्सटेंसिव वोकैबुलरी का नॉलेज है। तो जो भी राइटर है उसके पास वोकैबुलरी का नॉलेज बहुत ज्यादा रहेगा तो वो डेफिनेटली बहुत सारी चीजों के लिए छोटे छोटे वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। तो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का मतलब यही है कि जहां पे 100 वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पे 50 हो, 70 हो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो चीजों को छोटा करने की कोशिश की जाती है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाती है जब राइटर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है वोकैबुलरी के ऊपर, उसका कमांड जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। सो अ लॉन्ग लेटर कंटेनिंग इररिलेवेंट मैटर गिव्स अ पुअर इंप्रेशन ऑफ द राइटर एंड ऑल्सो द बिजनेस हाउसेस, है ना। तो एक लॉन्ग लेटर सपोज आपने लिख दिया जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपने लिखी हैं इररिलेवेंट मैटर के ऊपर लिख दिया, तो ये जो सामने वाला बंदा है उसके सामने आपकी जो इज्जत है वो बहुत ही कम जाएगी, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा, पुअर इंप्रेशन पड़ेगा। और जो राइटर है उसका तो पुअर इंप्रेशन पड़ेगा ही, जो बिजनेस हाउस है जिसके लिए वो राइटर लिख रहा है, जिसको लिख रहा है नहीं जिसके लिए वो लिख रहा है उसका भी इंप्रेशन जो है बहुत ही गंदा पड़ने वाला है सामने वाले बंदे को ऊपर। सो बट फॉर द सेक ऑफ कंसाइजनेस कंप्लीटनेस एंड क्लैरिटी शुड नॉट बी सेक्रीफाइज। बट हाँ, इस बात में यही बात बोली जा रही है कि जब आप लिखो कंसाइज वे में लिखो, कंप्लीट लेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधी बात लिखी आधी बात नहीं लिखी, एंड क्लैरिटी जो होनी चाहिए है ना, ताकि ये लेटर जो है समझ में आ जाए। द लेटर मस्ट एक्सप्लेन इन फुल व्हाट इट ऑल डिजायर्स, लेटर को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि लेटर जो है क्या कहना चाहता है ना। Be conscious that the reader does not have much time. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रीडर के पास जो है बहुत ज्यादा समय नहीं है, वो सारा दिन आपके लेटर को बैठ करके नहीं पढ़ेगा, है ना। तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है। कर्टेसी एंड फ्रेंडलीनेस, तो कर्टेसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी काम को करते हो तो कर्टेसी, थैंक यू बोलना, कर्टेसी फुल होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी कर्टेसी एंड फ्रेंडलीनेस की बात बोली गई है। सो द टोन ऑफ द बिजनेस लेटर शुड ऑलवेज बी कर्टेशियस एंड पोलाइट। जो टोन है बिजनेस लेटर का वो बहुत ही कर्टेशियस होना चाहिए और बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, है ना। व्हाइल ड्राफ्टिंग अ बिजनेस लेटर बिजनेस शुड नेवर बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। जब भी आप लेटर लिखो, है ना, तो यहाँ पे ब्लंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करो, ब्लंटनेस जो है यहाँ पे नजर नहीं आनी चाहिए, है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी योर पुअर इमेज इज बाउंड टू रिजल्ट फ्रॉम द ऑफेंसिव एटीट्यूड कन्वेड थ्रू द लेटर। तो आपने सपोज लेटर लिखा, वहां पे बहुत सारी ऑफेंसिव बातें आपने लिख ली जिसको जिसके कारण से सामने वाला बंदा जो ऑफेंस हो सकता है, ऑफेंडेड फील कर सकता है, तो उस केस में आपका जो इमेज है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पुअर इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है जब आप ऑफेंसिव एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हो अपने लेटर के माध्यम से, तो वो चीज जो है आपको नहीं करनी है। कर्टेसी इज लाइक द ऑयल Which removes friction and creates goodwill. Courtesy जो होती है वो एक तरीके से oil के माफिक होती है जो कि friction को कमाती है, हटाती है और goodwill को create करती है। Courtesy should not be restricted to obligatory words like thank you and please. अब courtesy का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे जो obligatory words है सिर्फ thank you और please का ही आप इस्तेमाल करो, वहाँ पे politeness भी होनी चाहिए। There must be politeness even in the declining of the proposal. अगर आप proposal को decline भी कर रहे हो तो भी आपके मन में पोलाइटनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको झाड़ दिए, आपने मना कर दिया गलत तरीके से, है ना। अगर आपको मना करना ही है तो भी आप बहुत ही पोलाइट वे में, अच्छे वे में उनको आप मना कर सकते हो। तो वो बात यहाँ पे बोली जा रही है। सो कर्टेसी एंड फ्रेंडलीनेस का इंपॉर्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आप उसके साथ डील ना करो। सो वर्ड्स लाइक प्लीज एंड काइंडली ऑलवेज ब्रिंगिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स। प्लीज और काइंडली अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इसके जो रिस्पॉन्सेज है वो बहुत ही अच्छे आते हैं। However, such words ought to be used without sacrificing one's self-respect and dignity. लेकिन आप इन सारे words का इस्तेमाल तभी करेंगे जब जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक तरीके से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर डिग्निटी के साथ आप किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आपको प्लीज और काइंडली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लीज और काइंडली वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे लेकिन लेकिन इसमें आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नहीं गिरना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्शियसनेस, कंसाइजनेस, सॉरी कंसाइजनेस, चीजों को छोटा करके लिखना। एक 100 वर्ड्स का लेटर है उसको 25 वर्ड्स में लिखना, लिख करके अपनी बात को समझा पाना, दैट इज कंसाइजनेस, है ना। अब बिजनेस शुड बी कंसाइज एंड डायरेक्ट, रिटन इन सिंपल लैंग्वेज विद अ नेचुरल फ्लो ऑफ वर्ड्स, है ना। एक बिजनेस लेटर जो होता है वो कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और फ्लो ऑफ वर्ड्स में होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि जो फ्लो है वर्ड्स का वो ठीक तरीके से नहीं है, आप कुछ कर रहे हो फिर कुछ हो रहा है, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो फ्लो ऑफ वर्ड्स है मतलब जो आप मुंह से बोल रहे हो वही सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए, वन बाय वन सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए।
वर्डी फ्रेजेस एंड हाई फ्लो एक्सप्रेशन शुड बी अवॉइडेड। वर्डी फ्रेजेस का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक ऐसा हाई फ्लो एक्सप्रेशन जिसको समझने में टाइम लगे, उस तरह की चीजों का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। इसे लिखा हुआ शुड बी अवॉइडेड। द लेटर शुड नॉट कंटेन क्वेश्चंस और वर्ड्स विच आर पिडेंटिक, बुकिश एंड विच साउंड आर्टिफिशियल, है ना। तो ऐसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है, कोटेशंस का भी इस्तेमाल नहीं करना है जो कि एक तरीके से बुकिश लगे और जिसका आर्टिफिशियल लगे, चीजें नेचुरल ना लगे, ऑर्गेनिक रूप में होनी चाहिए आपका लेटर। बिजनेस पीपल आर वेरी बिजी एंड मे बी इरिटेटेड बाई अननेसेसरी लेंदी लेटर्स। बिजनेस पीपल जो होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं और वो अननेसेसरी लेंदी लेटर्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं। देयर फॉर वन मस्ट फोकस डायरेक्टली ऑन द मैसेज। तो एक व्यक्ति को सिर्फ अपने मैसेज के ऊपर ही जो है ध्यान देना चाहिए। करेक्टनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर में करेक्टनेस का होना ना एक तरीके से बहुत ही जरूरी है। अगर आप जानकारियां ठीक तरीके से नहीं दोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत जो है यहाँ पे हो जाती है। सो करेक्टनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आई थिंक। ठीक है, देख लेते हैं। सो अ बिजनेस लेटर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड फैक्चुअली एक्यूरेट। जो भी लेटर में आप डेटा डाल रहे हो, जो भी आप चीजें लिख रहे हो, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और फैक्चुअली एक्यूरेट होना चाहिए। आपने सपोज फैक्ट आपने उसमें कुछ मेंशन करा है जो कि एक तरीके से इनकरेक्ट है, सही नहीं है, तो वो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और फैक्चुअली एक्यूरेट भी होना चाहिए। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इनएक्यूरेट फैक्ट्स कन्वेड थ्रू अ लेटर आर बाउंड टू मेक द पोजीशन ऑफ द राइटर वल्नरेबल, है ना। अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हो, इनएक्यूरेट फैक्ट्स डालते हो, तो उसके कारण से जो भी लेटर लिख रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, आपका जो पोजीशन है वो वल्नरेबल हो जाएगा। हो सकता है लोग आपके साथ डील ना करें क्योंकि आपने सही जानकारियां वहां पे नहीं डाली है, राइट। द एड्रेस ही मस्ट स्टॉप फर्दर डीलिंग्स विद द राइटर ऑफ द लेटर। तो जो एड्रेस ही होगा ना, वो एक तरीके से आपके साथ डील करना बंद कर देगा आपके लेटर के थ्रू। इन लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स, रेफरेंसेस, सीटीसी, इंफॉर्मेशन गिवन शुड ऑलवेज बी करेक्टेड एंड एग्जैक्ट, है ना। तो जब भी आप ऑर्डर से रिलेटेड कोई लेटर लिख रहे हो, इंक्वायरी से रिलेटेड कोई लेटर लिख रहे हो, कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग आप कोई लेटर लिख रहे हो, रेफरेंस के रिगार्डिंग आप कोई लेटर लिख रहे हो, तो इन सारे केसेस में आपको अपनी सारी बात जो है करेक्ट वे में और एग्जैक्ट वे में आपको वहां पर मेंशन करनी है। So if for some reason it is not possible to communicate the necessary information, the reason may be clearly stated in the polite language. अब suppose sometimes होता है ना कि आप reason mention नहीं कर पाते हो due to some problem, तो वो problem जो यहाँ पे आपको mention करनी है कि किस कारण से आप सारी बातें यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हो, और बहुत ही polite way में, ऐसा नहीं कि attitude में रह करके आपने जो है बात करना है। So इस चीज की ऊपर भी जो है आपको ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। अगला point है completeness। मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा ऑरेंजी फाई बोल रहा हूँ, पिंकी फाई कर देता हूँ। यस, नाउ कंप्लीटनेस। तो एक लेटर जो है कंप्लीट होना चाहिए, राइट। लेटर पूरा कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लेटर शुड इंक्लूड ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द मैसेज बीइंग सेंट। एक लेटर के अंदर वो सारी की सारी जानकारी होना चाहिए जो कि जानकारी किसी भी लेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैसेज जब आप पहुंचाने की कोशिश करो तो सारी बातें उसमें मेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना, ताकि आप जो एक तरीके से आपके मैसेज को आप सपोर्ट कर सको, राइट। अपने लेटर को आप सपोर्ट कर सको। एन इंक्वायरी विच डज नॉट कंटेन नेसेसरी पर्टिकुलर्स और एक्सप्लेनेशन विच इज पार्शियल इज नेवर अप्रिशिएटेड, है ना। तो कोई इंक्वायरी जो कि एक तरीके से नेसेसरी पर्टिकुलर्स को मेंशन नहीं करता, उसमें इंक्लूड नहीं करता, एक्सप्लेनेशन नहीं लेता, तो वो एक तरीके से पार्शियल कहलाता है और उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। एंड इनकम्प्लीट लेटर मे बी कंपेल द रिसीवर टू मेक फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन द सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग वेस्ट ऑफ टाइम एंड प्रॉम्प्ट हिम टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू हिज ओन जजमेंट विच वे लीड टू डिस्प्यूट्स, है ना। तो अगर आपने लेटर अगर इनकम्प्लीट लिख दिया, कंप्लीट नहीं लिखा, तो जो रिसीवर है वो उसको सारी बातें जो समझ में नहीं आएंगी, यहाँ पे एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम होगा जिसके कारण से उसको प्रॉम्प्ट किया जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है कि आप अपने हिसाब से ही जो है जो भी जजमेंट वो चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि आपने सारी जानकारियां उनको उन तक पहुंचाई नहीं है, कंप्लीट आपने लेटर लिखा नहीं है, तो वो आपको किसी भी बेसिस पे जज कर सकता है, राइट। जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे उसके बेसिस पे वो आपको जज करेगा। सो चीजें जो है ना एक तरीके से कंप्लीट वे में होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है ओरिजिनलिटी। तो लेटर में ओरिजिनलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओरिजिनल लेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने छाप छुप के कहीं से लेटर लिख दिया और सामने वाले को भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनलिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओरिजिनलिटी ऑफ फॉर्म, एक्सप्रेशन एंड स्टाइल्स आर ऑफन नेसेसरी टू मेक बिजनेस लेटर्स मोर अपीलिंग
पर्टिकुलरली फॉर सेल्स प्रमोशन एंड ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, है ना। तो यू नो लेटर में ओरिजिनलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो स्टाइल होता है, वो समटाइम्स बिजनेस लेटर को बहुत ज्यादा अपीलिंग बना देता है। आप एक तरीके से जो बंदा आपके लेटर को पढ़ेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपका लेटर उसको एनकरेज करेगा कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, राइट। तो या फिर आपकी कंपनी के सामान को खरीदे, तो सेल्स प्रमोशन के केस में भी लेटर लिखे जाते हैं, उस केस में ओरिजिनलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉपी पेस्ट आइटम जो है यहाँ पे नहीं चलता। या फिर कोई स्पेशल ओकेजन है, सपोज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उस केस में भी आपका जो बिजनेस लेटर है उसमें ओरिजिनलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम तरह के प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लोग आपके तभी खरीदेंगे जब आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल होगा, अपने आप में खुद को डिफ्रेंशिएट करता होगा बाकी सारी प्रोडक्ट्स के थ्रू, और वो तभी आप दिखा पाओगे जब आप ओरिजिनल चीजों को लिखोगे। इंडीड विद चेंजिंग टाइम्स ओल्ड एंड स्टीरियोटाइप फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय more appealing forms, expressions and style of presentation of matter of business letters, ठीक है ना। तो आखिरकार यही देखा जाता है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, कि जो ओल्ड स्टीरियोटाइप फॉर्म्स हुआ करते थे उनको एक तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है नए फॉर्म्स के थ्रू, जो कि बहुत ज्यादा अपीलिंग है, जिनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है। इस तरह के बिजनेस लेटर्स का ही अभी के टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है। For instances, the layout of the contents of the letter is often intended to mark out significant lines. New phrases are used in place of old ones, and the concise, conscious attempt is made to give a personal touch where necessary. है ना? कोशिश की जाती है पर्सनल टच प्रोवाइड करने की, ताकि काम को जो है ठीक तरीके से किया जा सके। जो पुराने तरीके थे, पुराने लेआउट्स थे, पुराने कंटेंट्स हुआ करते थे, जो पुराना तरीका था लिखने का, पुराना जो फ्रेसेस था, उन सबको हटा करके नए नए चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, और पर्सनल टच देने की कोशिश की जा रही है लेटर्स में, ताकि एक तरीके से सामने वाला बंदा जो है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो आपके लेटर के थ्रू। अगला पॉइंट है नीटनेस। तो जो भी आप लेटर लिखोगे वो नीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिजिल मिजिल करके आपने लिख दिया उल्टा पुल्टा, लेटर पढ़ ही नहीं पा रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है ना, साफ सुथरा आपने लेटर नहीं लिखा, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो नीटनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ नीट एंड टीडी लेटर क्लियरली टाइप्ड और रिटन ऑन अ रीजनेबल गुड पेपर विद प्रॉपर पैराग्राफ्स मेक्स अ लेटर अट्रैक्टिव टू द रीडर, है ना। तो जो रीडर, अगर आप चाहते हो कि आपका लेटर उसके सामने अट्रैक्टिव लगे, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लेटर को बहुत ही नीट वे में लिखो, टीडी वे में लिखो, और एक अच्छा पेपर का इस्तेमाल करो जिसके ऊपर आप लेटर लिख रहे हो, उसका पेपर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करो, प्रॉपर पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करो, जिसके कारण से आपका जो लेटर है वो अट्रैक्टिव लगेगा रीडर के सामने। एनी ओवरराइटिंग, ओवरराइटिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। एनी ओवरराइटिंग, रबिंग और कटिंग द एक्सप्रेशंस इन प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स एटीसी डू नॉट क्रिएट अ फेवरेबल इंप्रेशन, है ना। तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि ओवरराइटिंग ना हो, रबिंग ना हो, कटिंग ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशंस ना हो, इम्प्रॉपर स्पेस आपने दे दिया पैराग्राफ्स के बीच में, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो, तो एक तरीके से वो फेवरेबल इंप्रेशन वो क्रिएट नहीं करता है। सो द अपीयरेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर शुड बी इंप्रेसिव। जो अपीयरेंस होना चाहिए बिजनेस लेटर का, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इन सारी चीजों को नहीं करोगे। नीट होना चाहिए, टीडी होना चाहिए, और मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल जो भी आप चीजें यहाँ पे करना चाहते हो, नीट वे में लिखना, टीडी वे में लिखना, आपको वैसे करके यहाँ पे लिखना उसको होता है। इफेक्टिवनेस, आप इफेक्टिवनेस तो तभी जज होगी ना, जब बाकी के 9 पॉइंट्स आप ठीक तरीके से करोगे। अगर आपने 9 पॉइंट्स ठीक तरीके से कर लिया, तो डेफिनेटली आपका जो लेटर है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। द अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस लेटर इज अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इन अ पॉजिटिव मैनर विद अ रीजनेबल टाइम। जो अल्टीमेट गोल होता है बिजनेस लेटर का, वो यही होता है कि जो रिस्पॉन्स आए उस लेटर के बदले में, वो डिजायर्ड हो, पसंदीदा रिस्पॉन्स हो, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और रीजनेबल टाइम में आए। समटाइम्स लेटर को लोग जब पढ़ते हैं ना, तो उसको डिले कर देते हैं कि भाई चलो देख लेते हैं, इससे बेहतर अगर कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो फिर इसको कैंसिल करवा दूंगा, है ना। तो फिर नहीं तो फिर बाद में इसी को ले लेंगे, कोई चारा नहीं है, बट वो इस तरह से टाल देते हैं काम को, है ना। तो रीजनेबल टाइम में अगर आपको चाहिए, इफेक्टिव में अगर आपको चाहिए, तो बाकी सारे 9 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली डिलेड और नेगेटिव रिस्पॉन्स शोज द इनएफेक्टिवनेस ऑफ द लेटर। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो डिलेड या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है किसी भी लेटर को लेकर के, वो ये बताता है कि आपका जो लेटर है वो इनएफेक्टिव था, अच्छा नहीं था उतना। द टाइम एंड स्टेशनरी यूज्ड इन राइटिंग सच लेटर इन्वॉल्व वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और जो भी आपने एक तरीके से अपना टाइम और स्टेशनरी खर्चा करा उस लेटर को लिखने में, वो एक तरीके से कम्प्लीटली वेस्टफुल हो गया, वेस्ट हो गया। Thus, effectiveness may be regarded as most essential feature for a business letter.
इफेक्टिवनेस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर हो जाता है किसी भी बिजनेस लेटर के लिए, और इसको बेहतरीन बनाने के लिए आपको बाकी सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना होगा कि आप अच्छे तरीके से अपने लेटर को आप इफेक्टिव बना पाओ। सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप इन सारे इसके माध्यम से आप लिख पाएंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो के ऊपर तकरीबन आधा घंटा समय अपना दिया है, और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।